सो गाइस नई ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं और एक नए टाइगर रिजर्व की ओर जा रहे हैं। इस बार मैं जा रहा हूं पेंच टाइगर रिजर्व यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे। भाई बहुत शानदार जगह है और अब आप ये सोच रहे होंगे मेरे साथ यावी बैठी तो यावी भी जा रही है। नहीं, यावी नहीं जा रही। यावी सबको हाय बोल दो पहले। हाय। तो यावी को मैं अभी रास्ते में ड्रॉप करूंगा एक्चुअली एक जगह। तो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपना सफर। यावी टाइगर दिखेंगे? क्या क्या दिखेगा? लेपर्ड मिलेगा? हाँ। और बेयर मिलेगा? सबको बोल दो दिखाने वाले बहुत सारे लेपर्ड टाइगर और बेयर। सो बने रहना। बोलो। हाँ, बने तो रहना ही है। और सब्सक्राइब करना है? हाँ। बोल दो। हाँ, करना तो वही गाइस सब्सक्राइब कर लेना। भाई यावी कह रही है तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं जब भी ट्रिप पे जाता हूँ ना यार, यावी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है। तो इस बार मैं इसको बोल के आया था कि नो टीयर्स, और क्योंकि इसको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मैं जा रहा हूँ तो ये जो है अकेली पड़ जाएगी या फिर एक्स वाई जी। बट एनी वेज समझाया है काफ़ी, बच्चे हैं तो आई थिंक होता ही होगा, आपके घरों में भी होता ही होगा। चलते हैं, अपना मेट्रो पकड़ते हैं और अपना सफ़र जो है इस बार का शुरू करते हैं। सो ये आ गए हैं मेट्रो स्टेशन पे भाई, अपना सामान लेके चले जा रहे हैं। अंदर जाएंगे मेट्रो स्टेशन को, इन्होंने पूरा मॉल बना दिया। देखो ऊपर से ट्रेन आती जाती है, ऊपर थर्ड फ्लोर पे ट्रेन आती है, नीचे शॉप्स हैं। भाई फाइनली पहुंच गए हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। वन मैन आर्मी, चार चार बंदूक एक साथ। भाई आग लगा दी, कितनी सारी टांगों में सबको उड़ा देंगे भाई। अरे ये बैठे भाई ढूंढ ढूंढ के परेशान भाई साहब। फाइनली ये आ गया मिस्टर वाकर जी का भाई। मैं छुप के बैठा हूँ कोने में और अगली बार है ना कोई अगर रेलवे में है तो प्लीज हमारी टिकट आप बुक कर दिया करना, इनके लिए एटलीस्ट प्रेफरेंस जो चाहिए वो मिल जाया करेगी, वरना मेरे को गाली पड़ती है हर बार। भाई रेलवे ने दे दिया नाश्ता, समोसा नहीं है, कचौड़ी है। ये सामने मैम जो है ना, ये एडिशन है। तो इन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि भाई ये जो आया है ऐसा कुछ खाने लायक नहीं, मैम ने पहले ही डरा दिया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, मतलब इसको खाऊं नहीं खाऊं, इसको किसी को दे दूं, फेंक दूं, खाऊं नहीं खाऊं, क्या करूं। पहले ही मेरे को मतलब घबराहट चली। पैसे वापस ले लो। पैसे वापस, ये ऑप्शन है क्या भाई? और मुझे आज भाई मोए मोए हो गया, हमें तो आज ही पता चला। अरे सर ने बोला है भाई, मैंने नहीं बोला, सर ने बोला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना? फिर से बोलो ये कुछ बोल रहे एक सब्सक्राइबर को ये मिलेगा, कह रहे एक लकी सब्सक्राइबर को ये पैकेट मिलेगा। दो को एक एक दे दो, भाई मेरा वाला भी दो है, ये खाएंगे नहीं तो चार हो गए भाई। लकी सब्सक्राइबर को चार मिक्सर के पैकेट मिलने वाले, एक एक को मतलब एक बजट थोड़ा सा कम है। रेवड़ियाँ बांटेंगे हम, रेवड़ियाँ जो है प्लेटों का कुतुब मीनार बना के घूम रहे हैं। और
प्लेटों का कुतुब मीनार बना दिया भाई ने। हाँ, सुन रहा हूं। अरे ये मत, ये मत, सारी, ये मत सारी प्लेटों का सर, ये मत, ये अब तो डलेगा भैया। 22 और 24 का भी दे देना। ये भैया ना इधर पलट नहीं रहे, कह रहे हम नहीं पलट के देंगे, उल्टा वो खाना देंगे तुम्हें। भैया क्यों अलाउड नहीं? अलाउड क्यों नहीं है पहले ये तो बता दो। अरे स्माइल तो देखे जाओ। अरे ये नॉनवेज क्यों देगा? ये नॉनवेज है भैया, लाल वाली वेज है, नॉनवेज है। सो ये हमारा खाना आ गया भाई। ये देखो, ये पानी वाली दाल है, ये रबर वाला पनीर है, ये खींचे हुए पराठे हैं, और ये राशन के चावल हैं, और अचार है, एक्सपायरी है। तो हाँ भाई एक्सपायरी है, देख के नहीं खाया? अबे यार कट गया तुम्हारा तो, मोई मोई हो गया। तो यार दिक्कत है भाई। एक्सपायरी वाला अचार कैसा लगा? और इसी वीडियो के बाद कह रहा टेस्ट नहीं किया, पन्नी फाड़ मतलब पैकेट फाड़ के ना जैसे सुना एक्सपायरी है भाई, इसने रख दिया भाई, इसने खाया ही नहीं। आपके आपके पनीर में नमक है या नमक में पनीर है, क्या आया है बताएंगे मेरे को थोड़ा सा। इसी वीडियो के बाद धवल भाई को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है राजधानी। हाँ राजधानी से। अब ये मराठी में आप सुन रहे हो तो मतलब समझ जाओ कि अब हम नागपुर पहुंच गए। ओके भैया मिलते हैं फिर, बाय, सबको बाय कर दो, मिलते हैं, बाय 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 भाई। ये तो मैं नागपुर स्टेशन ला आलू आए, ये पीछे अपने नागपुर स्टेशन है भाई, मैं महाराष्ट्र में आके मराठी बोलने लग गया हूँ। तो बस अब अपनी कैब में बैठ रहे हैं। ये हमारे भैया, क्या नाम भैया? सुनील भैया आ गए हमें लेने के लिए। बस कितनी देर लगेगी पहुंच जाने में? डेढ़ से दो घंटा। रॉकेट की तरह गाड़ी चलेगी? अरे बीच में कहीं पोहा जलेबी मिलेगी क्या? अभी तो नहीं मिलेगी। अरे कहीं तो मिलेगी रास्ते में, इस टाइम नहीं मिलेगी? भैया ने तो दिल तोड़ दिया गाड़ी में बैठते, कह रहे पोहा जलेबी नहीं मिलेगी, जिसके भरोसे हम चल रहे थे इतनी देर से। अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ कहीं शॉप वॉप में कुछ मिल जाए तो आस पास। सो गाइस हम लोग यहाँ पे ना ये आ गए हैं एक जगह नाश्ता करने के लिए। जो पीछे बिल्डिंग से दिख रही है ना वो नहीं, उसके बाजू में ये छोटी सी एक लाइट चल रही है, छोटा सा जो एक दुकान जैसी होती है हाईवे के किनारे भाई, उस जगह पे सुनील भैया ने बताया है कि बहुत शानदार यहाँ पे ब्रेकफास्ट देता है। एक बार जरा इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। हाईवे क्रॉस करके जाना, गाड़ियाँ आ रही हैं। समोसा चना डाल देना और एक प्लेट पोहा दे देना। खाते खाते वाइल्ड डॉग भी आ गए साथ में। ये हमारा समोसा आ गया बिल्कुल छोलों वोलों के साथ, एकदम तगड़ा वाला, और साथ में वाइल्ड डॉग्स भी घूम रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे ढोल आ चुके हैं। मतलब अंधेरे में आए थे, अब सुबेरे वापस जा रहे हैं, अब अपनी गाड़ी में बैठेंगे और अब हाँ मतलब अंधेरे में रात में आए थे और सुबेरे जा रहे हैं भाई। कितना नाश्ता कर लिया हमने, सुनील भाई ने हमें कराया नाश्ता। क्या नाश्ता कराया? नाश्ता कराया, नाश्ता नाश्ता बहुत शानदार। चलो भाई तो गाइस वेलकम टू दी पेंच टाइगर रिजर्व। ये यहाँ की पेंच टाइगर रिजर्व की एक चौकी है रास्ते में जो आती है, और ये यहाँ पे आप पीछे एक बोर्ड देख सकते हैं जहाँ पे ये बताया गया है कि इस हाईवे पे अंडरपास बनाए गए हैं ताकि इकोलॉजी मेंटेन रहे, जानवरों को डिस्टर्बेंस ना हो, और जानवर जो है अंडरपास से क्रॉस करते हैं। तो कौन सा जानवर कितनी बार इस अंडरपास से गया, ये हाईवे आप ऊपर देख सकते हैं इन पे, और साउंड बैरियर्स भी लगाए गए हैं ताकि जो है जो साउंड जो है जो जानवरों को नीचे गाड़ियों का आवाज़ जाके डिस्टर्ब ना करे। तो इसमें कितने टाइगर या कितने लेपर्ड या कितने जानवर कितनी बार इस अंडरपास को क्रॉस करके गए आगे जंगल में, उसकी काउंटिंग लिखी है।
गाइस यहाँ जो पीछे मैं आपको चेक पोस्ट पे जो अंडर पास दिखा रहा था, ये देखिए हम फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हैं, वो नीचे आपको जो गैप दिख रहा है वहाँ से जानवर क्रॉस करते हैं, इवन टाइगर लेपर्ड्स और स्लॉथ बियर तक यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं, सांबर डियर चीतल तो बहुत ही कॉमन है। यहाँ कैमरा ट्रैप्स लगाए हुए हैं जिनके बेसिस पे आइडेंटिफाई होता है कौन सा जानवर गया। बहुत शानदार जगह है यार। थैंक्स टू हमारे सुनील भैया, ड्राइवर भैया, सुनील भैया ने हमें बताया कि भाई सर यहीं पे होता है ये सब कुछ, इसीलिए हम यहाँ फटाफट रुक गए और बस यहीं शूट करते हुए निकल रहे हैं आगे। यार बढ़िया फीलिंग आ रही है बेंच की और एक बढ़िया एनवायरनमेंट है। मौसम देखो आप यार, पूरा आसमान अलग ही चमक रहा है इधर पे। ये इधर हमारे अपूर भाई भी चमक रहे हैं और इधर देखो आसमान पूरा चमक रहा भाई, शानदार। अभी बीच की नहीं, अपनी एंट्री हो चुकी है अपनी, और ये जो आजू बाजू जो है ये बफर जोन है। ऐसा क्या? हाँ, और इसे बोलते हैं अपना खवासे का बफर जोन। ये खवासा है? हाँ, ये खवासा का बफर जोन जंगल है। ओके। और आगे यहाँ से 9 किलोमीटर में टूरिया गेट पड़ेगा। ओके। और उसके बाद में सर सफारी। तो ये जो पूरा प्रॉपर जो पूरा जंगल का एरिया चलता रहता है, यहाँ पे टाइगर लेपर्ड इनकी साइटिंग वगैरह सड़क पे हो जाती है? हाँ सर, ये क्रॉस यहाँ से होते रहते हैं सर। अच्छा, पूरा होते रहते हैं? पूरा क्रॉस होते रहते हैं और इनका कोई टाइम टेबल नहीं है क्रॉस का, ये कभी भी दिख सकते हैं। क्या था सुनील भाई, क्या था बताना एक बार? टाइगर नहीं, क्या था पूरा किस्सा बताओ सर। वो गाँव का बंदा था, वो अपना बैल लेके घर जा रहा था। हाँ हाँ। और उसके पीछे यहाँ पे टाइगर था, टेक्सर। वो इसी जगह का था? हाँ, वो इसी जगह, इसी रोड पे। इसी रोड पे तो पकड़ा था? नहीं सर, वो पकड़ा नहीं था, वो बस पकड़ने वाला था, तो आदमी घूम गया तो रिवर्स करीब तो भाग गया, टाइगर भाग गया। टाइगर भाग गया, तो जो अभी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था। जी 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 जी। तो आपने तो शूट नहीं किया था कहीं? नहीं सर, मैंने नहीं किया था। अरे ओके। अभी हमारा रिजॉर्ट कितना दूर रहेगा भाई? सर यहाँ से बस आधा किलोमीटर। जी तो गाइस फाइनली यहाँ पहुंच गए हैं वन लाइफ, और ये यहाँ की एक लॉबी, और यहाँ पे मैं भैया के साथ अभी खड़ा था और बस चेक इन की अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके अंदर जाते हैं, देखते हैं भाई। यहाँ फोटोग्राफ्स जो लगी हुई है काफी शानदार है, बहुत अच्छा लग रहा है यार। बाकी रूम भी मेरे को लग रहा है इसको देख के तो अच्छा ही होगा। हाँ सर, तो भैया बता रहे अच्छा है तो जी, चलो चले जी। जिस तरीके का रूम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हैं ये रूम में एंटर करते ही सामने डबल बेड है, ऊपर एसी है,
यहाँ पे कुछ फ्रेम्स वगैरह लगे हुए हैं, और उसके बाद ये अपना एंट्रेंस, और ये यहाँ पे सिटिंग लॉबी। तो यहाँ पे आपके दो चेयर्स हैं, पानी पीने के लिए रखा हुआ है। देन यहाँ पे ये जो है एक स्टोर रूम टाइप का है, जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, एंड ये आपका लगेज यहाँ पे आएगा। और उसके बाद यहाँ पे इसके पीछे है यहाँ पे वॉशरूम, जिसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा साइज़ है, तो एटलीस्ट स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देख सकते हैं शावर यूनिट अलग है, वॉशरूम अलग है, देन यहाँ पे आपके बाथरूम टॉयलेटरीज वगैरह रखी हुई हैं। ऑल इन ऑल बहुत शानदार प्रॉपर्टी है, जिसका अपने आप में एक अलग ही फील है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने एक लॉन भी दिया हुआ है, जहाँ पे झूले लगे हैं, और इधर बैडमिंटन कोर्ट वगैरह भी है। तो एक बहुत एक नेचर के अंदर एक अलग सी फीलिंग है, क्योंकि आपको यहाँ पे बाहर का कोई शोर नहीं आएगा, सिर्फ जंगल की आवाज़ आएगी, बर्ड्स की आवाज़ आएगी, और आसपास में कोई एनिमल्स हैं दूसरे तो उनकी आवाज़ आएगी। तो इस तरीके का एक एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, जंगल के साथ जब आप सफारी पे जाते हो तब तो आप उसके साथ अटैच रहते ही हो, यहाँ पे भी रहोगे तो वही एक फीलिंग आएगी। तो मस्त प्रॉपर्टी और मस्त जगह। बस अब अपन निकलेंगे आज की अपनी पहली सफारी पे, जो कि इवनिंग में टूरिया गेट की, जो यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। बस तैयारी करते हैं और इवनिंग में टूरिया गेट के लिए निकलते हैं। ये मैं पहुंच गया हूँ पेंच टाइगर रिजर्व, यानी कि मोगली लैंड। ये है पेंच टाइगर रिजर्व का टूरिया गेट। कुछ लोग इसको टूरिया भी बोलते हैं, जो कि सही नाम नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पे गांव है टूरिया, उसके बेसिस पे ही इस गेट का पीछे जो है नाम दिया गया है टूरिया गेट। तो गाइस ये एक रेस्क्यू वैन है, जिसके अंदर आप देखिए एनिमल्स को अगर रेस्क्यू किया जाता है, टाइगर वगैरह को, तो इसी गाड़ी में रेस्क्यू किया जाता है। यहाँ पीछे से इसके अंदर डाला जाता है एनिमल्स को, और यहाँ पीछे से ये एनिमल्स को डाला जाता है इसके अंदर, बड़े से बड़े एनिमल्स तक के लिए बनाई चली जाती है और इसमें छोड़ा जाता है। अपनी पेंच की पहली सफारी हो रही है शुरू। सो आई हैव पीटर एंड मरीना विथ मी टुडे ऑन द चैनल, सो वेलकम टू द चैनल गाइज, थैंक यू सो मच, एंड वी होप दैट वील गेट टू सी सम लेपर्ड्स एंड टाइगर्स टुडे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सफारी। गंगा प्रसाद भैया हमारे गाइड भैया हैं आज के। तो गंगा प्रसाद भैया, आज लेपर्ड और टाइगर छपवा देना बस चैनल पे बिल्कुल लेपर्ड और टाइगर की बारिश हो जाए आज, मतलब ऐसा भाई बिल्कुल कोशिश करेंगे। लेपर्ड भैया कह रहे हैं पेंच मोगली लैंड में आप सबका स्वागत है। शानदार जगह, एक शानदार फॉरेस्ट अंदर चलने वाले हैं। आज देखते हैं अपने को पेंच में क्या मिलने वाला है। ओके सत्यम भैया, सबसे पहले आज क्या ट्राई करने वाले हैं? टाइगर। कहाँ पे चलेंगे अभी अपन? अपन चलेंगे अभी फायरलाइन बल्टुंडम, फिर देख करके भी चलेंगे, फिर साबुन बन गुरंगारा। ओके, क्योंकि अभी जो है थोड़ा गर्मी का टाइम है, तो पानी के आसपास कहीं अगर अपन चलें तो अच्छी मूवमेंट बन सकती है। तो गंजाम भैया यहाँ पे अभी अपन तीन नंबर रूट पे जा रहे हैं। तीन नंबर रूट पे, और यहाँ पे अभी सेटिंग कैसी चल रही है? सारी यहाँ तो अभी अच्छी हो रही है। अच्छी हो रही है। हाँ। क्या दिख रहा है अभी अपने को यहाँ पे? टाइगर लेपर्ड ज़्यादा दिखते हैं। लेपर्ड ज़्यादा दिख रहे हैं। लेपर्ड की तो उम्मीद है ही पूरी आज, मतलब दिख जाएगा। लेकिन अपन कुछ कह रहे थे वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि देखो श्योरिटी से तो कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ लेकिन उम्मीद पूरी है। एलमार्क दिख गया कल सुबह? बहुत बढ़िया। अरे वहाँ कुछ मूवमेंट चल रहा है, अभी देख लेते हैं। है नहीं वो, अभी देख लेते हैं। हमारे गाइड भैया इसको वाइट आई बजर्ड बोल रहे थे, पर मुझे देख के ये वाइट आई बजर्ड बिल्कुल नहीं लगा। हालांकि इसको देख के मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि इसकी स्पीसी क्या है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। पीछे के शॉट लेने मेरे को।
बच्चा था डियर का, पीछे लेना। यह है स्पॉटेड डियर। हालांकि ये एक काफ़ी आम डियर होता है, लेकिन ये एक हेल्दी जंगल की पहचान है, क्योंकि यह टाइगर का सेकंड इम्पॉर्टेंट फूड है। किसी भी जंगल में जितने ज़्यादा स्पॉटेड डियर दिखेंगे, जंगल उतना ही हेल्दी माना जाता है। इन स्पॉटेड डियर से नज़र हटाई तो हमारी नज़र इस पीकॉक पे पड़ जाती है। पीकॉक को दिन में ऐसे देखना एक बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस हो सकता है, बिकॉज पीकॉक के कलर्स दिन में इस टाइम सनलाइट में बहुत ज़्यादा निकल के आते हैं, तो यहाँ पे आप इसके ब्राइट कलर्स को अलग से ही चमकते हुए देख सकते हैं। ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है कि क्या कहते हैं डियर फैमिली ले उसको टाइगर को देख के कॉल करते रहे, ऐसा नहीं होता, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ही हल्का सा भी मूवमेंट करेगा तो ये सारे जानवर, चाहे वो पिकॉक हो, चाहे वो डियर हो, चाहे वो लंगूर हो, कॉल करने लगते हैं। अभी ये सब जो है शांत है थोड़े से, मूवमेंट नहीं करेगा। ऑफकोर्स हाँ, टाइगर वैसे धूप में मूवमेंट तो नहीं करता है, क्योंकि उसको लेटना पसंद है, वो भी खासतौर से पानी में इस टाइम पे। इसके जाते बाकी जैसे ये जलता ना यहाँ पे, हाँ चंदा में क्या उसको छुपने के लिए बैठने के लिए जगह अच्छी जाती है, वहाँ पे ठंडा लगता है वहाँ पे, हाँ हाँ है ना, क्योंकि टाइगर हमेशा पानी में तो बैठा नहीं रहेगा। सही बात, इसलिए क्योंकि यहाँ छाव के अंदर पे, इसलिए वहाँ टाइगर ज़्यादा बैठा रहता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पे इस मैदान में ये रूडी शेल डक देखने को मिलती है। ये यहाँ की रेसिडेंट डक नहीं है, बल्कि माइग्रेट करके आती हैं। माना जाता है कि ये तिब्बत से माइग्रेट करके हमारे यहाँ पे आती हैं। इनके कलर्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं, और ये पानी में डूबने के बाद भी आराम से बाहर निकल के आराम से उड़ सकती हैं। दूसरी ओर यहाँ पे मुझे ये एक इंडियन रोलर देखने को मिलता है। इंडियन रोलर इंडिया का ही एक बर्ड है, लेकिन इसकी एक खास बात होती है, ये अगर झाड़ियों में बैठ के आवाज़ कर रहा हो तो ऐसा लगता है कहीं दूर शायद कोई लंगूर कॉल कर रहा है। सारी जिप्सियाना भी भटक रही हैं इधर से उधर, किसी को भी कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक दूसरे से पूछते हुए जा रहे हैं, कोई इधर से गया है, कोई उधर से गया है। कोई अगर किसी को ऐसे धैर्य से खड़ा होकर देख लेना, उसको लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ हो गया कुछ देख रहा है वो। उसको लग रहा है कि भाई कुछ तो भी दिख रहा है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो वो बेचारा घबरा जाता है, क्या हुआ यहाँ पे। ओके सो गाइस, हमारे पीछे ये बैठा है यहाँ पे चेंजेबल हॉक ईगल, बेसिकली क्रेस्टेड चेंजेबल हॉक ईगल है। इसको चेंजेबल हॉक ईगल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अपना है ना रूप जो होता है वो उसको चेंज करता है। अभी कुछ टाइम में वाइट कलर में है, थोड़े टाइम बाद इसके जो ये बॉडी पे जो वाइट कलर है ये हटेगा, ये ब्राउनिश शेड में आ जाएगा। जो इसके पंख जो है ये डॉट 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 इसके ऊपर जो है ये डॉट ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखने लगेंगे। अभी जुवेनाइल है, कुछ टाइम बाद जब ये बड़ा हो जाएगा तो फुल साइज में ग्रो हो जाएगा, और काफ़ी एक सुंदर बर्ड है देखने के लिए। एक अच्छा शॉट दे रहा है यहाँ पे हमें चेंजेबल हॉकी गर्ल। भाई पेंच की पहली सफारी में तो प्याज कटती हुई सी लग रही है, 5 बजने को आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई मूवमेंट का आता पता नहीं है, कोई कॉल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पेंच ऐसे निराश मत करो, हमें कुछ तो दिखाओ। भाई रेड हेडेड आइबिस दिख रहा है, एटलीस्ट कुछ तो दिख रहा है, थोड़ा सा पीछे ले लेना भैया। ये है रेड हेडेड आइबिस। इसके सर पे ये लाल अलग से कैप की वजह से इसको इसका नाम रेड हेडेड आइबिस मिला है। इसको देख के मुझे गाना याद आ गया, सर पे लाल टोपी रूसी फिर जूता है जापानी। ये बर्ड जमीन में छुपे हुए इंसेक्ट्स और कीड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और पानी में और उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। वो
सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, साइटिंग चल रही है क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। कहाँ पे है थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाएं, कुछ तो जगह बनाएं। ये बड़ी दिक्कत है, जिसको दिखता वो हटता नहीं है और अपन लोग जो है लाइन में ऐसे खड़े रह जाते हैं। भाई तू साइड से लेके आगे से ले ले यार कहीं तो कर। नहीं यहाँ तो भेज दूंगा मैं। अब भैया कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेशन तो बताओ। भाई सारी दुनिया कह रही है उधर दिख रहा है, उधर दिख रहा है, भाई मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, कहाँ बैठा क्या बैठा है, सब ढूंढने में लग रहे हैं। इक्का दुक्का शुरू में थोड़ी लाइट थी, तब लोगों को अगर थोड़ा बहुत दिख गया तो दिख गया, अब तो वो भी नहीं दिख रहा, अंधेरा हो रहा है। हम लोग वहाँ पे वेट किए काफ़ी देर, कुछ भीड़ लगा रखी लोगों ने, वो दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ना कान दिखा, ना पूंछ दिखी, ना नाक दिखी, कुछ ना दिखा। सॉरी वी कुड नॉट साइट एनी लेपर्ड और टाइगर टुडे, बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑन वाइल्ड ट्रैवल व्लॉग, एंड ऑफ कोर्स मे बी यू विल सी मोर टाइगर्स एंड लेपर्ड इन फ्यूचर, सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर एंड द बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एज़ वेल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय बाय बाय। कोई नहीं भाई, मैं आज की अपनी टूरिया की सफाई को यहीं कर रहा हूँ एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।